कि हमारे गांव में लगभग 9 से 10 ट्रैक्टर और 2-3 रथ और एक बैंड बाजा और एक साथ में डीजे, तो लगभग जो इसकी दूरी होगी लगभग 250 से 200 250 लंबी दूरी होगी इसकी। और जब भी आप देखोगे तो आपको पूरा इंजॉय आएगा। तो समय 10 या 11 बजे हमारे गांव में ऐसी शोभा यात्रा होती है, वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हेलो माय ऑडियंस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी 26 जनवरी की, जो गुरुकुल नर्सन स्कूल पढ़ता है महेंद्र प्रताप प्रेम दिल्ली इंटर कॉलेज, तो जहाँ पर जो मैंने वीडियो शूट करके अपलोड की थी अपने चैनल ऑफिशियल अपनी ब्लॉग पर, और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और जो मेरा जो टारगेट था 50 लाइक वो भी आपने कम्प्लीट किया, तो उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड की थी गांव की, जो हमारा जो प्रोग्राम था गांव नाथन कला में, जहाँ पर स्कूल पढ़ता है वो मैथी देने पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। और उसके बाद तीसरी जो वीडियो में अभी शूट कर रहा हूँ वो इस तीसरी वीडियो में आपको पीछे देखने को मिलेगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो अभी मैंने स्टार्टिंग की है, फिर उसके बाद हमारे जो गाँव प्रिंसिपल जो गुरुकुल जो स्कूल पढ़ता है महेंद्र प्रताप प्रेम दिल्ली इंटर कॉलेज, उसके प्रिंसिपल से जो हमारे जो प्रिंसिपल हैं माननीय महावीर कुमार जी, उनसे भी आपको इंटरव्यू से रूबरू करवाते हैं। फिर उसके बाद आपको इंडियन आर्मी, जिन्होंने यहाँ पर इंडियन आर्मी भूमिका निभाई थी डांस में, उनका भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपने उस वीडियो को जो टारगेट था 50 लाइक का वो कम्प्लीट किया, तो इस वीडियो को भी पूरा टारगेट करना है हमारा। तो जितना भी हो सके जो हमारी ऑडियंस है और सब्सक्राइबर जो व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को भी उसका जो टारगेट था 50 लाइक का, उसको भी कम्प्लीट करने की पूरी कोशिश करें। और 1 लाइक तो वैसे भी इंडियन आर्मी के लिए बनता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इंडियन आर्मी जो लड़कों ने वहाँ पर भूमिका निभाई। तैयारी का जो टाइम था 1 महीने से लगभग ऊपर हो चुका था करते करते, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो में भी, और इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। 26 जनवरी ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हो गया था, और उस संविधान को बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य समिति थी उसने, और देशों से भी मिलकर के उस संविधान की रचना की थी बाबा साहब ने, और दूसरे देशों के संविधान के को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसमें समाहित किया वो चीज़ें, जिससे बाबा साहब का जो संविधान है आज भी विदेशों में भी उसे अपनाया जाता है। सर, बहुत से लोगों को ये पता है आज के दिन 26 जनवरी है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता आज के दिन संविधान का पूर्ण रूप से लागू हो पाता है। हाँ, 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं सर हम, है तो हमारे देश का संविधान लागू हुआ था इस तारीख को, मनाते हैं 26 जनवरी के रूप में ही हम। 26 जनवरी को लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो सर, जैसे कि आज के जो प्रोग्राम में जो बच्चों ने यहाँ पर 4 चांद लगाए जी, तो उन बच्चों को आप क्या देना क्या सीखना चाहोगे कि आने वाले समय में मैं तो ये कहूँगा कि वो बच्चे हमने तैयार किए, और थोड़े से समय के लिए हमें समय मिला इसमें इस बीच में, क्योंकि हमारे प्री बोर्ड परीक्षाएँ भी थी, उसके बाद भी उन बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि वो आगे भी इससे बढ़ चढ़ करके भाग ले इसमें और अपने देश के प्रति समर्पित रहे। तो सर, जो यहाँ पर इन्होंने अपना जो भूमिका निभाई है जी, और जो असली जो देश के जो हमारे रक्षक इंडियन आर्मी है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, जैसे कि हमारे जो युवा बालक तैयारी करते हैं और अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं कि इंडियन आर्मी क्या भूमिका निभाती है, तो असली इंडियन आर्मी को आप क्या संदेश देना चाहोगे? इंडियन आर्मी तो भाई हमारे लिए, हम तो हमारे बच्चे ही जाते हैं इंडियन आर्मी में, हम तो ये चाहते हैं कि उसकी तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पार्टिसिपेट करें, जिससे देश का भी और हमारा भी इसमें जो हो, पूरे देश का और इन संस्थाओं का भी ऊंचा नाम हो, हम तो ये चाहते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचे। सर, प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं शिक्षा के उसमें? प्रोग्रेस ठीक है शिक्षा के उसमें, प्रोग्रेस ठीक चल रही है, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू कर दी है सरकार ने। अब नई शिक्षा नीति में जो हो, अब एक बच्चा जो हो, पहले तो एक ही साल की परीक्षा दे सकता था, अब एक साल में 2 परीक्षाएं भी दे सकता है, एक ऑनलाइन या ऑफलाइन के उसके माध्यम से, ऑनलाइन या डीम्ड उसके उससे दे सकता है। सरकार के प्रयास ठीक है, अच्छे हैं। डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? डेवलपमेंट तो देखो, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, सारी कुछ नहीं है, डेवलपमेंट भी है, डेवलपमेंट भी है, डेवलपमेंट तो हम सब आपको मिलकर कहीं करना है। आने वाले भविष्य में आप युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आप कॉलेज में स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर?
युवाओं के लिए तो ये संदेश है कि वो मेहनत करें, अपने देश का और अपने समाज का विकास करें, अपना नाम रोशन करें उसमें, क्योंकि अच्छी अच्छी जॉब मिलेगी उन्हें, मेहनत करने के बावजूद उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी और उससे देश का भी और अपना समाज का भी उत्थान होगा। सर शिक्षा के उसमें जैसे बच्चे निकल के जा रहे हैं तो पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखो वो सिस्टम जो है वो तो बहुत गलत बात है, वो तो बहुत खेद है, हम भी इस पर खेद व्यक्त करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो बच्चों के जीवन से खिलवाड़ जो इस तरह का कर रहे हैं माफिया, उनके लिए सख्त कानून बनावा सरकार और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सर बच्चे नशे के उसमें जा रहे हैं तो उसके बारे में क्या सुन लेते हो? नशा मुक्ति भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री और हमारी उत्तराखंड सरकार सभी सरकारें ले रही हैं और हम भी बच्चों को जागरूक करते हैं यहाँ से कि भाई अपने घर पड़ोस में आप भी नशे से दूर रहें, जो नशा आपके घर में कर रहा है उसे भी दूर रखें। सर सांसद जी का कहना है सन 2025 ले हरिद्वार जिला नशा मुक्त चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, यदि हम सब आप लोगों का प्रयास रहा तो होगा, पक्का होगा, निश्चित होगा, ऐसी बात नहीं। Yeah!
Yeah.
फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ एक और बात कि फ्रेंड्स जो हमारे जो गांव नर्सने कला उसमें 4 और 5 तारीख को बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है और ऐसे नाइट का प्रोग्राम है वो। अगर आपको हमारे यहाँ प्रोग्राम देखना है तो 5 तारीख को टाइम 10 बजे हमारे गाँव में बहुत ही अच्छी जगह देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर इंडियन आर्मी का जो डांस था वो हमारे गाँव में देखने को मिलेगा और उसमें और भी अलग अलग जगह देखने को मिलेगी। तो मैं आपको एक छोटे से हिंट की बस छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ कि हमारे गांव में लगभग 9 से 10 ट्रैक्टर और 2-3 रथ और 1 बैंड बाजा और एक साथ में डीजे, तो लगभग जो इसकी दूरी होगी लगभग 250 से 200-250 लंबी दूरी होगी इसकी। और जब भी आप देखोगे तो आपको पूरा इंजॉय आएगा। तो समय 10 या 11 बजे हमारे गाँव में ऐसी शोभा यात्रा होती है वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जितना हो सके इस वीडियो को अपना प्यार दिखाएं और इस पर हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ में जितना हो सके चैनल वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप हमें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।